शहर में एक गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 4 नंबर कट के पास स्थित सपना स्लीप होम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठने वाली लपटों ने न केवल लोगों को अफरा तफरी मचा दी, बल्कि आग की बड़ी बड़ी लपटों ने हादसे का शिकार होने वाले कंपनी के ठीक बराबर वाली कंपनी को जद में ले लिया। हालांकि सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं सिकंदराबाद पुलिस ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली करा लिया। सूचना के बाद SDM प्रशासन, SP सिटी, CEO सिकंदराबाद, CFO गाजियाबाद भी मौके पर पहुंच गए, जबकि आग का विकराल रूप देखते हुए SSP श्लोक कुमार ने नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, दमकल विभाग को सूचित करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाया, तो वहीं आसपास बनी अन्य फैक्ट्रियों को भी अलर्ट कर दिया। हालांकि कई घंटे की जद्दोजहद व कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक फैक्ट्री और गोदाम में रखे हजारों गद्दे जलकर खाक हो गए। इसके साथ ही आग ने फैक्ट्री में खड़ी एक कार व अन्य कीमती सामान भी स्वाहा हो गया। बुलंदशहर SDM प्रशांत भारत ने बताया कि जनपद की 8 दमकल की गाड़ियां समेत नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ की कुल मिलाकर 12 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया था। SP सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि पुलिस ने समय रहते इलाके को खाली करा लिया, जिसके चलते किसी बड़े हादसे का सामना नहीं करना पड़ा। फिलहाल इस आग से कंपनी को कितने का नुकसान हुआ यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन आग के कारण सिकंदराबाद में देर रात औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के इलाके में हड़कंप मची गई। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। सर, सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में भीषण आग लगी, काबू कर लिया गया, सर किस तरह से काबू किया गया, कितनी दमकल की गाड़ियां कहां कहां से बुलाई गई? देखिए, सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में सपना फोम्स जो एक गद्दे की फैक्ट्री है, फोम वाले जो गद्दे बनते हैं उसकी फैक्ट्री है, और यहां पर शाम को सूचना मिली कि आग लग गई है। और जैसे ही सूचना मिली हमारे जो है फायर टेंडर जो हमारे जनपद के थे, सभी फायर टेंडर्स को यहाँ बुलाया गया, लगभग 8 गाड़ियाँ अपने जनपद की और गाजियाबाद से और नोएडा से और हापुड़ से भी कुछ गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। अभी फिलहाल जो आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि आग पर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। ये चूँकि गत्ते की आग है, तो इसमें पानी लगाने के बाद थोड़ा सा देर में कंट्रोल हो रही, लेकिन अभी ये कंट्रोल में है और जल्दी इसको बुझ जाएगी। सर, आसपास का इलाका खाली कराना पड़ा पुलिस को, हमने देखा, इसके अलावा कोई जनहानि की कोई खबर हो या नुकसान लगभग कितने का हो पता चला हो अभी? तो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, इन्होंने बताया कि 5 बजे फैक्ट्री बंद हो गई थी, जनहानि की कहीं कोई सूचना नहीं क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई थी। और अगल बगल का जो इलाका है, चूँकि तीनों तरफ इधर बगल में एक फैक्ट्री, उधर से भी फायर टेंडर लगे हुए हैं, उधर से लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है, इधर हमारे जो है बाईं तरफ भी फायर टेंडर लगे हुए हैं, इधर से भी छिड़काव हो रहा है, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं आबादी में आग फैल रही है या यहाँ से किसी अन्य फैक्ट्री में फैली, ऐसी कोई स्थिति है नहीं अभी। बुलंदशहर